नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत पाकिस्तान वार्ता पर संकट के बादल। भारत और पाकिस्तान के बीच आगामी 23 अगस्त से होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत के टलने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष कश्मीर के प्रतिबंधवादी नेताओं के मुद्दे को लेकर उलझ गए हैं। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रतिबंधवादियों और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के बीच किसी तरह की बातचीत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत देते हुए कश्मीर के प्रतिबंधवादी नेताओं को गुरुवार को कुछ देर के लिए नजरबंद करने के बाद रिहा कर दिया था। दूसरी ओर पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों ने भारत की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि हुर्रियत के साथ बातचीत जारी है, पाकिस्तान भारत से आदेश नहीं लेगा, वार्ता सशर्त कूटनीति पर आधारित नहीं है। इस बीच दोनों पक्षों के कठोर रुख के चलते बातचीत पर अनिश्चय की गर्द दिखाई देने लगी है, लेकिन किसी भी पक्ष ने अभी बातचीत से इनकार नहीं किया है। अब हॉटलाइन पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हॉटलाइन या संचार की सुरक्षित लाइनें हाल ही में चालू हो गईं, हालांकि अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार और व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक पीटर और लेवाय ने कहा कि यह हॉटलाइन दो बेहद करीबी साझेदारों के बीच एक सुरक्षित लाइन होती है, ताकि वे राष्ट्र प्रमुख स्तर पर अपने विचार व्यक्त कर सकें और वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग कर सकें। मोदी को एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त विजय सिंह ठाकुर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दैनिक समाचार पत्र द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा दिया गया एशियन ऑफ द ईयर 2014 पुरस्कार यहां ग्रहण किया। मोदी को भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और देश की संभावनाओं के बारे में विश्व को फिर से उत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में चुना गया था। अन्ना हजारे को जेट सरणी की सुरक्षा। महाराष्ट्र सरकार ने धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की सुरक्षा बढ़ाकर जेड स्तर की कर दी है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने बताया कि हजारे को कुछ समय से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हम समय समय पर अन्ना की सुरक्षा का आकलन करते हैं, इसके बावजूद उन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। शिंदे ने कहा कि उन्हें मिले धमकी भरे इन पत्रों के मद्देनजर हमने उन्हें दो अतिरिक्त एस्कॉर्ट मुहैया कराए हैं और उनके दफ्तर तथा आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।